सुना वहां के जाट बहुत नाराज हैं यार, इस बार वो आप लोगों को वोट नहीं देने का मन बना रहे हैं, इसीलिए आप लोग जयंत चौधरी की तरफ भी लॉलीपॉप थमा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस क्यों बिगड़ गया? देखिए ना, हमारा कॉन्फिडेंस बिगड़ा है, और ना चाहे जाट समाज हो और चाहे अन्य समाज हो, उसे भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी लगती है, और अपनी पार्टी मान करके उनका आशीर्वाद हमें 2014 से लगातार प्राप्त हो रहा है। या जरूर हमारे विपक्ष के साथी, अब आप सब मीडिया के मित्र भी विपक्षियों के उसमें कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, वो हमसे कोई दूर नहीं है, हम उनके पास हैं, वो हमारे पास हैं। जो वोट, जो आशीर्वाद 2014, 2017, 2019 में हमको पश्चिम का मिला हो, चाहे पूरब का मिला हो, चाहे मध्य क्षेत्र का, चाहे ब्रज क्षेत्र का, वही आशीर्वाद हमें 2022 में भी मिला। मैं जरा रोकूं, अगर आपका इतना ही कॉन्फिडेंस और भरोसा है, तो फिर जयंत चौधरी जो उधर अखिलेश जी के साथ हैं, तो उनको क्यों इस तरीके से आप लोग भरमा रहे हैं? ये तो सवाल का जवाब है। कौन हम से तो स्पष्ट बता रहे हैं कि श्री जयंत चौधरी जी जिस पार्टी के साथ जाने का चुन लिए हैं, जैसे श्री राहुल गांधी जी 2017 में श्री अखिलेश जी के साथ चले गए, अखिलेश जी डूब गए, कांग्रेस भी डूब गई। 2017 में साथ में थे जयंत जी, उस समय चौधरी अजीत सिंह जी जीवित थे, वो साथ में थे, लेकिन एक सीट पे सिमट करके रह गए। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर 2017 से अधिक तेज है। केशव जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपको चिंता जयंत चौधरी जी की होने लगी है? हमें कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की। अगर हमें चिंता होती तो 2019 में तो साथ में लड़ रहे थे, सपा के साथ लड़े थे, बसपा के साथ लेकर के लड़े थे, लेकिन तब भी कमल ही खिला था, तब भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, तब हम उत्तर प्रदेश में 64 सांसद जीते, 51% वोट अर्जित किए। आप जितनी चिंता जयंत चौधरी की करते हैं ना, तो उधर जो हैं वो लोग भी आपकी बहुत चिंता करते हैं। ओवैसी साहब को आप जानते होंगे? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अखिलेश जी को भी आप जानते हैं? बढ़िया से, खूब अच्छी तरीके से। प्रकाश राजभर भी आपके मित्र रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से मित्र थे, मित्र हैं, लेकिन राजनीति में, चुनाव में, वो हमारे विपक्ष में, हम उनके विपक्ष में, हम अपनी विचारधारा अपने काम के आधार पर लड़ रहे हैं, वो अपनी विचारधारा और अपने काम किए होंगे तो उस काम के आधार पर लड़ेंगे। हम तो मुद्दे पर लड़ाई चाहते हैं लेकिन मुद्दों से भाग जाते हैं। ओम प्रकाश जी, फिर मित्र बन सकते हैं क्या? मुझे जरूरत अभी इस समय नहीं लगती, हमारे पास त्रिवेणी है, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, ये त्रिवेणी। इस पर मैं आऊं, त्रिवेणी में एक नदी विलुप्त हो गई है वैसे, तुम इसमें बाद में आऊंगा, भाव को समझिए, विलुप्त होने के बाद भी अस्तित्व है। बात कर रहा था ना ओवैसी साहब की, अखिलेश जी की, ओम प्रकाश जी जो आपके मित्र हैं, ये तीनों एक बात हर जगह कहते हैं और उसका कनेक्शन आपसे है। वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में ना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को ना स्टूल पे बिठा दिया गया। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी स्टूल की कहानी है, कब बैठे, क्या हुआ, वो फोटो वीडियो समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके इतिहास को मैं बताना चाहता हूं। आज एबीपी के घोषणा पत्र मंच से, ये सब कभी केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है, अपनी जमीन तलाश रहे हैं और उनको जमीन नहीं मिल रही खोजे से। अगर ये पिछड़ों के हितैषी होते, केशव के हितैषी होते, तो यह दूसरी भाषा बोलते। जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2012 में बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे, ऐसे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने की चिंता नहीं हुई, उनको लगता है केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सरकार बन गई, डिप्टी सीएम बन गए, तो यह मेरा नहीं अपमान कर रहे हैं, ये तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं जब पिछड़े वर्ग मुझे स्टूल की बात करके ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।